हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 ऐसी मूवीज़ के बारे में जिनकी एंडिंग एकदम लाजवाब हो। और तो और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन पांचों में से मेरी फेवरेट कौन सी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी, जो कि क्रिस गार्डनर की बायोग्राफी है। तो दोस्तों, आपको ना पता हो तो बता दूँ कि क्रिस गार्डनर एक बुक ऑथर हैं। और इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से क्रिस गार्डनर की वाइफ उन्हें छोड़कर चली जाती है और वो कितनी मुसीबतों से गुजरते हैं। और एक साल के लिए लगभग वो बेघर हो जाते हैं और अपने बेटे के साथ पब्लिक टॉयलेट्स में भी कई रातें गुजारते हैं। दोस्तों, इस मूवी में ऑडियंस पूरा टाइम लीड कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होती है। और तो और, ऐसे कई सीन आते हैं जहाँ पर ऑडियंस रो भी सकती है, लेकिन दोस्तों मूवी के एंड में ऐसा सीन आता है कि जहाँ सारे ऑडियंस को दिल से खुशी होती है, लीड कैरेक्टर के लिए दिल से अच्छा लगता है। अब ऐसा क्यों होता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और तो और दोस्तों, जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है यानी कि क्रिस गार्डनर को भी एंड में दिखाया जाता है। दोस्तों, नंबर 4 पर है हमारे बॉलीवुड की मूवी अंधाधुन। अब दोस्तों, जिस किसी ने भी ये मूवी नहीं देख रखी वो सोच रहे होंगे कि ये मूवी इस लिस्ट में क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जिस किसी ने भी ये मूवी देख रखी है उन्हें पता है कि ये मूवी कितनी कमाल की है और इस लिस्ट में क्या कर रही है। अब दोस्तों, इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं तो आयुष्मान खुराना मेन कैरेक्टर में है और वो पियानो बजाते हैं और अंधा होने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, मूवी के मिडल में इस मूवी के एक कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए वो सच में उसे अंधा बना देते हैं। अब यहाँ पर आयुष्मान खुराना सच में अंधे हो जाते हैं। और दोस्तों, स्टोरी ऐसे ही आगे चलती रहती है। और थ्रिल की बात करूँ तो आप एक मिनट के लिए भी अपनी सीट छोड़कर उठेंगे नहीं, इतना ज़्यादा थ्रिल है। अब दोस्तों, शायद आपको पहली बार में मूवी कि एंडिंग समझ में ना आए, लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार देखते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए। और अगर फिर भी नहीं आती तो यूट्यूब तो है ही। अब दोस्तों, नंबर 3 पर है द प्लेटफॉर्म मूवी, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब दोस्तों, नेटफ्लिक्स अपने यूनिक कंटेंट के लिए जाना जाता है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट उस बात को कुछ हद तक प्रूव भी करता है। अब दोस्तों, इस मूवी के प्लॉट की बात कर लूँ तो एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ लगभग 150 से 200 फ्लोर्स होते हैं और वहाँ पर हर एक फ्लोर पर दो इंसान को रखा जाता है जिसे हर महीने चेंज किया जाता है। अब दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि आज 12वें फ्लोर पर कोई दो इंसान है, वो अगले महीने किसी भी फ्लोर यानी 50वें फ्लोर पर भी हो सकता है, किसी भी फ्लोर पर हो सकता है। तो इस तरह से चेंज किया जाता है। तो मूवी दोस्तों इस तरह से स्टार्ट होती है कि ऊपर के पहले फ्लोर से खाना नीचे आना स्टार्ट होता है। अब ऊपर के पहले से लेकर 20वें 30वें फ्लोर तक अच्छा अच्छा खाना होता है, लोग खा लेते हैं अच्छे से। लेकिन इसमें एक रूल भी है दोस्तों कि आप खाना बचा कर रख नहीं सकते। अगर कुछ बचा कर आप रख लेते हैं जेब में तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए आपको वापस वो फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से 20 से 30 फ्लोर वाले लोग तो अच्छे से खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे खाना जाने लगता है वैसे वैसे खाना ख़त्म होने लगता है। और दोस्तों, ऊपर के फ्लोर के लोग इस खाने पर थूकने भी लगते हैं या फिर कोई कोई तो पेशाब भी कर देते हैं, इसलिए ये खाना और भी बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं कि 50वें फ्लोर तक तो एक बार आसानी से खा सकते हैं खाना, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है खाना ख़त्म होने लगता है तो दोस्तों वहाँ पर दूसरे इंसान को ही खाने लगते हैं। तो इस तरह से इस मूवी आगे बढ़ती रहती है। अब दोस्तों, इसमें देखना होता है कि एंडिंग किस तरह से होती है, ये लोग किस तरह से बच पाते हैं या बच भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए तो दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। और दोस्तों, ये मूवी नंबर 3 पर है तो इसमें कुछ बात तो होगी, इसलिए आप इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अब नंबर 2 पर है क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखी गई और डायरेक्ट की गई मूवी द प्रेस्टीज। अब दोस्तों, इस मूवी के प्लॉट को समझाने से पहले इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके नाम बता दूँ तो इसमें है क्रिस्टियन बेल, ह्यूग जैक्समैन एंड स्कारलेट जॉनसन। अभी भी नहीं समझ में आया। तो दोस्तों, इसमें बैटमैन, वुल्वरिन एंड ब्लैक विडो है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इन तीनों को क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी में ला दिया तो मूवी कितनी अमेजिंग होने वाली है। अब दोस्तों, इस मूवी के प्लॉट की बात कर लूँ तो ह्यूग जैक्समैन और क्रिस्टियन बेल दोनों जादूगर होते हैं और स्टार्ट में दोनों एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे ह्यूग जैक्समैन की वाइफ जादू करते वक्त उसकी एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ ह्यूग जैक्समैन को लगता है कि उसकी मौत क्रिस्टियन बेल की वजह से हुई है, जो कुछ हद तक सही भी होता है, वो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे के मैजिक शोज़ में जा जाके एक दूसरे के जादू बिगाड़ते हैं। ये देखने में दोस्तों बहुत मस्त लगता है, आप एक बार मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों, इस मूवी में कौन जिंदा बचता है, कौन मर जाता है, क्योंकि दोस्तों जादू में दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी में ऑडियंस को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है। पूरा प्लॉट, पूरी एंडिंग मूवी की हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी हम इसे मानने से इनकार करते हैं क्योंकि इस मूवी का मकसद यही था, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना। और लास्ट में जब नोलन हमें बताते हैं कि क्या हुआ एंडिंग में, तो हम सब चौंक जाते हैं और हमें पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, ऐसी स्टोरी सिर्फ नोलन ही लिख सकते हैं और ये मूवी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमेजिंग मूवी है ये।
दोस्तों, आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे यानी कि नंबर वन मूवी बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं और बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और दोस्तों, मुझे भी ऐसे ही सब्सक्राइबर चाहिए जो पूरे वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुन्ना भैया का डायलॉग भी है ना कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट की नंबर वन मूवी के बारे में। तो ये मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन। अब दोस्तों, कुछ लोगों के लिए एकदम नया होगा कि भाई तूने ये क्या लगा दिया मूवी, कौन सी मूवी है ये, इसके बारे में तो कभी सुना भी नहीं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो IMDb के हिसाब से मूवी देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये मूवी पूरे वर्ल्ड की पहली नंबर की मूवी कैसे बनी है, और ये मेरे हिसाब से इसकी एंडिंग की वजह से ही पहले नंबर की मूवी बन गई है। अब दोस्तों, मूवी के प्लॉट के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर जो बेसिकली मेन कैरेक्टर होता है, मेन लीड कैरेक्टर होता है, उसे अपनी वाइफ के मर्डर केस में झूठे इल्जामों में जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, उसके साथ जेल में क्या क्या होता है, कैसी कैसी गंदी हरकतें होती है, वो भी आपको मूवी में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको मूवी बोरिंग लग रही हो तो दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि 3 घंटे की मूवी है, 2.5 से 3 घंटे की, तो आपको मन करेगा कि कितनी बेकार मूवी है, क्या बता दिया ये, तो आप बीच में छोड़ने का मन करें, लेकिन मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट का आधा घंटा है वो आपकी पूरी बोरियत ख़त्म कर देगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मूवी बोरिंग थी या फिर अमेजिंग थी। तो दोस्तों, इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि पूरे वर्ल्ड में ये नंबर वन पर क्यों है। तो आप भी ज़रूर एक बार देखिएगा द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी। अब दोस्तों, वक्त आ गया है कि इन सब में से मेरी फेवरेट मूवी की मैं बात करूं। तो दोस्तों, इन सब में से मेरी फेवरेट मूवी है द प्रेस्टीज, और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, आप जब पहली बार इस मूवी को देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा कि किस तरह से दोनों जादूगर एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। और दूसरी बार में अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको स्मॉल डिटेल्स समझ में आएगी, जो कि ऑब्वियसली नोलन की मूवीज़ में होती ही है। और दोस्तों, स्मॉल डिटेल्स से मतलब है मेरा कुछ डायलॉग्स, जैसे कि विच टाई डिड यू नॉट, वो हीरो पूछता है कौन सी गांठ बांधी थी, तो बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको लास्ट में पता चलता है मूवी के। और दोस्तों, एक और डायलॉग है कि यू वांट टू बी फूल्ड, आप मूर्ख बनना चाहते हैं, अपने आप को ही मूर्ख बनाना चाहते हैं, और ये दोस्तों ये आपको लास्ट में समझ में आता है। तो दोस्तों, नॉट टूडे ये भी एक डायलॉग है, वो भी आपको एकदम लास्ट में समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या था और ये क्यों बोल रहा था। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखिए, और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि स्पॉइलर निकल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका मजा बिगड़े इस मूवी को देखने का। तो दोस्तों, इस मूवी को द प्रेस्टीज को एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने 7.5 मिनट तक वीडियो देखा, थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए, मेरी इंपॉर्टेंट बात भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप वीडियो को शेयर करें, तो दोस्तों 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ, ये वीडियो अच्छा है, तो वो ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाता है। दोस्तों, आप लाइक करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट भी बढ़ती हैं तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ, इसका वीडियो थोड़ा अच्छा है इसलिए लोग कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो काम आपको करने हैं, एक पहला काम करना है कि शेयर करना है, और दूसरा काम करना है कि इसमें कमेंट करनी है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।